फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर रोप्स। मैं गौसिया अरशद। आज के वीडियो में किनारी वाली यह लेस लगाने का तरीका मैं बताऊंगी। ये किनारी वाली लेस दो तरह की आती है, एक मोटी, एक ये पतली छोटी छोटी। तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि मैं इसे कैसे लगाऊं, कि इसके ये पीछे का जो किनारा है ये सिर्फ ट्रायंगल वाला किनारा दिखे और ये पीछे का नहीं दिखे। ये एक तरफ से उल्टा होता है और इधर भी ख़राब लगता है। तो ये सिर्फ किनारी कैसे निकलेगी और ये कपड़े के अंदर कैसे छुपेगा, आज मैं इसी पे बताऊंगी कि दुपट्टे में ये किनारी वाली लेस कैसे लगेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये दुपट्टा है मेरा, ये गोटा पट्टी वाला। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये दो, ये जॉर्जेट है, जॉर्जेट पे ये गोटा पट्टी लगा हुआ है। तो इसमें ये साइड में मैं इसके किनारे में ये किनारी वाली लेस लगाऊंगी। ये तो ये उल्टी है और ये सीधी है। तो अब इसमें इसको मैं किस तरीके से लगाऊं कि ये अंदर में विजिबल भी नहीं हो, दिखे भी नहीं इसका आधा पार्ट, और ये सिर्फ किनारा दिखे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ और इसके साइड में मैं सूट के जो इसका सूट है वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसके सूट पीस से मैं इसके साइड में बॉर्डर बनाने के लिए, किनारी वाला बॉर्डर बनाने के लिए मैं ये दो पीस कट करके कपड़े की निकाली हूँ, जो मैं इसे यहाँ पे अटैच करूँगी। ये सेम कलर का सूट है, इसको मैं कैसे अटैच करूँगी और इसमें ये किनारी वाली लेस विजिबल नहीं हो, इसे अंदर करके कैसे लगाना है, एक इधर और पूरे दुपट्टे में। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और इसे दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। ये दुपट्टा और ये बॉर्डर है दुपट्टे के दोनों साइड का। इसे मैं उल्टे की तरफ नहीं जोड़ के इसे मैं सीधे की तरफ जोड़ूंगी। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। हाफ हाफ इंच की दूरी पे मैं पैर चलाऊंगी। अब ये इसका ज्वाइंट कर ली हूँ। अब इस ज्वाइंट पे इसे किनारी वाली लेस कैसे लगाऊंगी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये दोनों सीधा है, सीधे वाले जो ज्वाइंट है इसे इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसे एक बार और फोल्ड किया इस तरीके से, और फोल्ड करने के बाद इसे ये लेस उल्टी रखाएगी, इसकी किनारी इधर होगी। जब मैं फोल्ड करके दोबारा सिलाई करूँगी तो ये इधर आ जाएगी। ये एक बार ये इस तरीके से फोल्ड हुआ यूं, ये जो सिला हुआ है इसी को मैं एक बार इस तरीके से फोल्ड करी। फोल्ड करके मैं इसके ऊपर ये किनारी वाली लेस रखी। इस जॉइंट को एक बार फोल्ड हुआ, ये जॉइंट पे मैंने ये लगा दिए, ये किनारी वाली ये जॉइंट पे। अब मैं इसको इस तरीके से पलट के इस पर सिलाई करूंगी तो ये किनारी सीधी होके इस पर आ जाएगी। ये मैं उल्टा करके लगाई थी, आपको दिखाई जॉइंट पर। अब इसे सीधा कर दूंगी इस तरीके से और इसके ऊपर मैं ये वाली, इसके जो जॉइंट ये जो दिख रहा है इसके ऊपर मैं ये इसी की ये वाली लेस इस तरीके से बिठा के इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये तो इस तरीके का हो गया, ये बीच का ज्वाइंट, इसे इधर पलट दूंगी और इस पर लेस लगा दूंगी। अब ये साइड में किस तरीके से लगेगा, जो पलट के कपड़े के अंदर आएगा, तो साइड में भी मैं इसे, ये सीधे की तरफ है, सीधे की तरफ मैं ये एक फोल्ड करूंगी और फोल्ड करके इसके ज्वाइंट पे मैं इसे इस तरीके से रखूंगी। इसके ज्वाइंट पर रख के जब मैं इसे पलटूंगी तब मैं इसे लगा के दिखा रही हूँ।
इसको थोड़ा थोड़ा सा सीधे की तरफ मुड़ती जाऊंगी और ये लेस उल्टी रखी हूँ, उल्टी रहे, जब उधर पलटूंगी तो वो सीधी हो जाएगी किनारी और कपड़े के अंदर चली जाएगी। अब इसे यूं पलट के ये सीधा हो गया, इस पे ये लेस से ये सिलाई बंद हो गई। ये दुपट्टे का दोनों साइड जैसे मैं दिखाई, इसमें ये साइड में मैं बॉर्डर बना के कुर्ते के कपड़े का लगाई और दोनों साइड किनारी लगाई, उस पर लेस लगाई, ये तैयार हो गए दुपट्टे का दोनों साइड। लेकिन दुपट्टे के सामने में जो ये इतना इतना बॉर्डर प्लेन है, इसको भी मैं कि ये किनारी वाली लेस कैसे लगाऊंगी जो अंदर चली जाएगी और बाहर से पता नहीं चलेगी, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी इतनी इतनी किनारी नज़र आएगी। तो ये मैं उल्टी करके, ये सीधी है और ये उल्टी है, तो ये मैं दुपट्टा ये सीधा है, इस पर मैं उल्टी लेस इस तरीके से हाफ हाफ इंच की दूरी पर ये रखी हूँ। अब मैं इसे हाफ इंच की दूरी पर लगाऊंगी और मशीन में बिल्कुल इस पे साइड में चला रही हूँ। ये चौड़े वाले दुपट्टा के साइड में दोनों तरफ जो पल्लू आता है, तो इस पे मैं ये आपको दिखाई कि ये सीधा है और ये लेस उल्टी है, तो ये उल्टी भी लेस मैंने लगा दी। अब मैं इसको अंदर करने के लिए जो इसको मैं पलटूंगी, इस लेस को लगाने का तरीका है कि इसकी सारी सिर्फ ये किनारी नज़र आनी चाहिए, ये हाफ नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसको छुपा के लगाने के लिए जिससे फिनिशिंग आएगी, तो इसको मैं उल्टी लेस को सीधे दुपट्टे की तरफ लगाई और ये हाफ हाफ इंच छोड़ दी थी। अब मैं इसे इस तरीके से पलट रही हूँ, ये यूँ पलटाई, अब मैं इसको इस तरीके से चला रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किसी भी तरफ से नज़र नहीं आएगी। इसे इस तरह से लगाने से इसका कोर इधर भी नहीं नज़र आ रहा है और देखिए इधर भी नज़र नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे सिलाई होगी और ये सिर्फ किनारी नज़र आ रही है, ये फिनिशिंग आ गई।